मचान में रहते हो, वीडियो तो बनेगा भाई, आप इधर रहते हो तो रुको 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 रुक जाओ, वीडियो तो बनेगा। आप यहाँ पे रुको 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 रुको, कौन से पंथ से कौन से हो? पंथ कौन सा है? पंथ अपना ये महादेव का भक्त, महादेव के भक्त हम भी है भाई, हम महादेव। रुक जा पहले, मेरा बात पहले उतर ले, महादेव का भक्त है ये बोल रहे भैया, महादेव के भक्त है वो तो ठीक है, अगर महादेव के भक्त है तो मछली खा सकते हैं ऐसा। ये भाई कौन है पता नहीं है, कितने दिनों से हमारे गांव के समंदर पे जो ये श्मशान है वहां पे रह रहे हैं। गांव तो होगा ना आपका, तो यहाँ कहाँ रहते हो, कहाँ पे कब से इधर रहते हो? श्मशान में रहते हो, वीडियो तो बनेगा भाई, आप इधर रहते हो तो रुको 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 रुक जाओ, वीडियो तो बनेगा। आप यहाँ पे रहते हो गांव वाले को पता है? आप यहाँ पे रह रहे हो गांव वाले को पता है? किसको पता है? खाना पीना कहाँ से लाते हो? मछलियाँ खाते हो? मच्छी खाते हो? तुम बोल रहे हो ये भगवान का भजन करता हूँ मैं। रुको 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 रुको, कौन से पंथ से कौन से हो? पंथ कौन सा है? पंथ अपना ये महादेव का भक्त, महादेव के भक्त हम भी है भाई, हम महादेव। रुक जा पहले, मेरा बात पहले उतर ले, महादेव का भक्त है। जब भाई देखो ये पता नहीं कौन है, कितनी बार तेरे को बोलूं कहाँ से आ रहा, कितने दिनों से है हमारे गांव में, दो तीन दिन से है। वो उधर कहाँ रहता है? क्यों स्मशान में रहता है? हर बार नहीं है तो ये गांव में आने का ना, किसी को बोलने का गांव में नहीं रहने का। तूने किसी से पूछा गांव से सरपंच है क्या कोई, किसी से पूछा कि मैं इधर रहूंगा गांव में? अरे कोई आएगा तो देखेंगे तो पूछ लेंगे, कोई आएगा तो हम आए ना, हमको तो जवाब नहीं दे रहा है तो पीछे टाइम हो रहा है, अंधेरा हो गया ना, लाइट नहीं हुआ। महादेव का भक्त है और मछली बना के खाएगा अभी मछली? ये बोल रहे भैया महादेव के भक्त है, वो तो ठीक है, अगर महादेव के भक्त है तो मछली खा सकते हैं ऐसा है, ऐसा नहीं है खा सकते है मछली, लेकिन कौन से पंथ से वो तो बताओ आप। अघोर पंथ है? अघोर है हाँ, तो ऐसे बताओ, हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत, तो हम भी जानते हैं। हाँ वो उसको मैं भगा दूंगा, वो नहीं वो काटेगा नहीं को बताया, वो बोल इसलिए आया इस गांव में, वो बोल ना तो हम आपको परेशान करने के लिए आए। आपका आधार कार्ड कहाँ है? नाम नाम क्या है आपका? नाम है दिवस। नाम क्या है? दिवस, दिवस मल्लिक। दिवस मल्लिक? दिवस मल्लिक। कहाँ से? ये चप्पल भी अलग, मतलब मतलब कहीं पे आप, आपका कोई ठिकाना तो होगा ना? हाँ। जन्म कहाँ पे हुआ आपका? अरे जन्म हुआ पश्चिम बंगाल में। कहाँ? बंगाल में जन्म, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हाँ। और ये चप्पल अलग अलग पहना है इसका? वो तो चलता है। देखिए भाई ना तो हम आपकी कोई मजाक उड़ा रहे ना कोई आपको परेशान कर रहे, लेकिन ऐसे ही अगर कोई आके ऐसे ही रहने लग जाएगा तो चलेगा नहीं ना, वो तो हम जाके गांव के सरपंच को बताएंगे। और कितने लोग हैं आपके साथ? अकेला तो अगर आप इधर उधर भटक रहा है, तेरे घर पे चला था ना? अरे घर में नहीं है, जाने का पैसा नहीं है तो मैं दे रही थी। घर से आया था तो अभी जो है ना तो सब मर गया है कोरोना बीमारी में, तो गाँव नहीं गया। कोरोना था तेरे को? हमारे को नहीं था, गाँव वाले को था। तू भाग के चला आया? वृंदावन में रहते थे, वृंदावन। ऐसे कोरोना हो गया वो लोग मर गया। अरे घर वाले से गांव में जो थोड़ा बहुत जमीन था खेती का तो दूसरे लोग ने लिख के खा गया, हाँ आ गई है। तो गांव के जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो एक से पूछा था, एक चावला मिला था, और बोला कि तुम दाव मर जाओगे तो तुम्हारे को मार देगा, तुम्हारे को नहीं मारेगा। ओह तुम्हें मार देगा ऐसा बोला? कौन मार देगा? कौन मार देगा ऐसे ही? कौन मार देगा? गाँव के लोग है, गाँव के लोग तो चले ऐसे ही मार दे। आपने कुछ गुनाह किया होगा तो मार आया तो बचपन में छोटा छोटा बारह तेरह बरस हो गया, 13 बरस हो गया इधर से सब जगह घूमते घूमते। हाँ और ये कपड़े वपड़े ठीक से पहन ले यार, ये क्या कम्बल उठ के निकल जाते हो? कपड़े वपड़े थोड़ा सा टाइम पर कमा के खाओगे आज के? तो ये ठीक तो चल रहे हो, कब से दौड़ते हो तो मैंने तुमको देखा, इसे तारी बाजू चले जाते हो।
ठहरेंगे बहुत दिन, बारिश ना आए तब तक ठहरेंगे। कहीं छोरे बोरे करने तो नहीं आए हो ना? पानी उठता है, पानी उठता है, पानी आता है, आता पानी यहीं तक ही रहता है। बहनी है अपने ये बंगड़ियों पहनी है आपने, ये क्या पहना है हाथों में? ये महादेव का कलश बलस है क्या? तो फिर क्यों ऐसे यार पगलों की तरह रहते हो? हाँ वो शंख का तो हम पहचानते हैं, हमारा बचपन ही इधर गुजरा है भाई, ये समुंदर के पास में ये सपना इधर से ज्यादा पड़ा है। ये भाई कौन है पता नहीं है, कितने दिनों से हमारे गांव के समंदर पे जो ये श्मशान है वहाँ पे रह रहे हैं। अगर कहीं पर भी ये किसी भी राज्य से आप अगर वीडियो देख रहे हो और अगर आप इसको पहचानते हो तो मैसेज में लिखिए, कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि ये आदमी है कौन। वैसे तो हम हमारे गांव के सरपंच को जाके बताएंगे कि ये आदमी कब से यहाँ पे रह रहा है क्या है। अभी दोस्तों ये आदमी कौन था, कहाँ से आया है, इसके बारे में हम जानेंगे, उसके बाद पुलिस को भी बताएंगे, गांव के सरपंच को बताएंगे। और अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी है तो कमेंट कीजिए, और इसके बारे में आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि इसके बारे में और कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिले। और आइए भाई,